नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। शुक्रवार को निरसा प्रखंड परिसर के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत कर आए सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों सहित रोजगार सेवक पंचायत सेवकों की एक बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी नए पंचायत प्रतिनिधियों का एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने के साथ रोजगार सेवक और पंचायत सेवकों के साथ भी परिचय आदि करवाना रहा। बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उन्हें प्रखंड की तरफ से विभागीय जानकारी दी गई है। सही तरीके से कार्यकलाप करने के दिशा निर्देश के साथ साथ उनके अधिकारों की भी जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधियों के सहयोगी के रूप में कार्य करने वाले उनके पंचायत सेवक तथा रोजगार सेवकों के साथ कैसे मिलकर वह पंचायत के विकास कार्यों को कर सके, इसकी भी जानकारी उन्हें दी गई। पंचायत निर्वाचन के पश्चात ये प्रथम बैठक हम लोग प्रखंड में आहूत किए थे, जो भी हमारे नव निर्वाचित मुखिया आए और पंचायत सचिव को भी बुलाए थे, रोजगार सचिव को भी बुलाए थे कि तीनों लोग आपस में मिल जाए, एक कोऑर्डिनेशन के तहत कार्य को गति दें और कार्य में विकास कार्य में तेजी आए, इसके लिए प्रथम बैठक निर्धारित थी। इसमें ग्राम सभा वगैरह के बारे में भी निर्देश दिया गया, बताया गया कि आप अभी तो ग्राम सभा योजनाओं का चयन करना है। इस तरह का बैठक का प्रथम उद्देश्य यही था कि सभी लोग पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और मुखिया जी लोग को जो आगे कार्य करना है उन कार्यों के बारे में डिस्कशन किया गया, बताया गया, निर्देश दिया गया कि आपको कौन कौन से कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हैं, कौन कौन से कार्यों में तेजी लानी है। धन्यवाद।